Hi everyone, so in this video we are going to cover NCERT class 12th biology second chapter which is human reproduction. So video bilkul NCERT focused hone wali hai, main NCERT ko line by line go through karungi. Aap agar CUET ke liye prepare kar rahe ho, class 12th mein padhai kar rahe ho ya fir NEET ke liye prepare kar rahe ho, this video will be really helpful for you kyunki exam mein jo aapke questions aate hain wo NCERT se hi aate hain. To aaj ke is video mein hum second chapter ko cover. So let's start with the chapter. इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. सो एक एक करके हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे लाइन बाई लाइन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एज यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेयर्स. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी है. विविपेयर्स मतलब डायरेक्ट ये जो है वो बच्चा देते हैं, सीधी सी बात है. एग इनमें नहीं बनते हैं, डायरेक्ट दे गिव बर्थ टू यंग वंस. नाउ द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है ह्यूमन के अंदर, वेदर इट इज प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो सारे आते हैं. सबसे पहली चीज है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट स्पर्म होगा, फीमेल गैमेट ओवम होगा. देन उसके बाद जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होगा इन फीमेल जेनिटल ट्रैक विच इज नोन एज इंसेमिनेशन. उसके बाद फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का. तो फ्यूजन जो होगा मेल फीमेल गैमेट का, उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अब फर्टिलाइजेशन होगी तभी क्या बनेगा, जाइगोट. अब ओवम और जाइगोट में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है. आप कभी भी ओवम और जाइगोट को एक नहीं बोल सकते हो. ओवम होता है अनफर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट होती है फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जो कि स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज कर दी गई है. ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. देन जाइगोट के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा. और भी प्रोसेस आते हैं बीच में, जाइगोट बना, जाइगोट में डिविजन हुआ, उसके बाद मोरूला बना, ब्लास्टुला बना. तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल. अब देखो ब्लास्टोसिस्ट बना डिवाइड होकर, उसके बाद ये ना यूटरस के वॉल से अटैच होगा. अटैच होगा तभी तो पूरे 9 मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ ह्यूमन की बात हो रही है, पूरे 9 महीने के लिए वो अटैच रहेगा, इम्प्लांट रहेगा और डेवलपमेंट होता रहेगा फीटस का. सो ये जो अटैचमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटरिन वॉल, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को हम गेस्टेशन कहते हैं. अब इम्प्लांटेशन हो गई, उसके बाद जो एम्ब्रायो है उसका डेवलपमेंट होगा और इसी को गेस्टेशन कहते हैं. अब गेस्टेशन जो होगा वो फर्टिलाइजेशन से लेके आपके पार्चुरेशन यानी कि बेबी की डिलीवरी तक के बीच का जो भी स्टेज होगा ना, वो गेस्टेशन होगा. अब ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड है वो आप लोगों को पता ही होगा, 9 मंथ है हमारे अंदर, 9 मंथ है. और डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी बाहर आ गया तो क्या उसको कहेंगे, पार्चुरेशन कहेंगे. अब देखो, यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी. आप लोगों ने सुना होगा कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो हमेशा प्यूबर्टी के बाद होता है. प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी होता है कि जब आप सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हो, जब आप जो है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हो. फर्टिलाइजेशन होगा देन बेबी प्रोड्यूस होगा, देन यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी वो स्टेज आपका प्यूबर्टी होगा. ठीक है, उसके पहले क्या होगा, उसके पहले आपका जुवेनाइल फेज होगा. ठीक है, दीज आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल. आप देखो मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है ना, वो थोड़ा अलग अलग होता है. कैसे, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन. अब देखो स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है ना, वो चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए कोई एक मेल, उसमें होता रहता है. ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वेमेन अराउंड एज ऑफ 50. बट वेमेन जो होगी, फीमेल होगी, उसके अंदर मेनोपॉज होगा. मेनोपॉज के बाद वो फिर बेबी को बर्थ नहीं कर सकती, वो फिर उसके बाद इनकेपेबल हो जाती है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए. बट फिर ओल्ड मैन जो होगा, ऐसा होता है कि टाइम के साथ स्पर्म के काउंट्स कम जाते हैं और फिर इनफर्टिलिटी होने लग जाती है. ठीक है, तो ये हो गई बात. ओके, सो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे टॉपिक आपने देखा होगा, सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स गो विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट. अब चलो, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. पेल्विस रीजन के पास, हिप्स एरिया के पास होगा. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस. क्या क्या होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में पूछते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड वॉट. ठीक है, तो इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस होगा, यानी टू टेस्टिस, अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स होंगे, ग्लैंड होंगे एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया. अभी पेयर ऑफ टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होगा जो डायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा. ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन होंगे. तो अभी हम एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम.
तो स्क्रॉटम क्या होता है? स्क्रॉटम वो पाउच होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, आउटसाइड बॉडी, जो कि टेस्टिस को क्या, जहाँ पे टेस्टिस होता है, ठीक है, सिचुएटेड होता है। स्क्रॉटम जो है वो क्यों प्रेजेंट है? खाली ऐसे ही टेस्टिस क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि स्क्रॉटम टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस का, विच इज़ 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से तो कम है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर तो इतना इतना कम नहीं होता है। तो मेनली क्या होता है कि ठंड के टाइम पे और गर्मी के टाइम पे जो होती है वो टेस्टिस के टेम्परेचर, वहाँ स्क्रॉटम जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। कैसे? ठंड का जब टाइम होगा इन विंटर, तो क्या होगा कि क्योंकि हीट की ज़रूरत है, तो विंटर के टाइम पे जो टेस्टिस का टेम्परेचर होगा, विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर होगा टेस्टिस का, वो क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और मेंटेन टेम्परेचर क्यों रहता है? क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप क्या है? ओवल है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस है, इसका ओवल शेप है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग के साथ वो कवर्ड है, बाहर की जो कवरिंग वो डेंस है। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि हर एक टेस्टिस में, इस टेस्टिस दो टेस्टिस है ना, तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, तो दो टेस्टिस है उसमें 500 कंपार्टमेंट्स है। और इन्हीं कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज अ कंपार्टमेंट दैट इज प्रेजेंट इन टेस्टिस। ओके, नाउ ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ईच लोब्यूल, अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है? 2 टेस्टिस, ठीक है, मैं यहाँ पे आधा लिख रही हूँ, पूरा लिख लेना। यहाँ पे 2 टेस्टिस हैं, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर क्या है? 250 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इसी कंपार्टमेंट को हम लोब्यूल्स भी कहते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे? ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब हर एक लोब्यूल में, यानी कि 250 लोब्यूल है ना, हर एक लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो लाइंड होते हैं 2 टाइप ऑफ सेल से, ठीक है। 2 सेल की लाइनिंग होगी, तो मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और एक सर्टोली सेल। ये दोनों देखो बिल्कुल हाईलाइट करा हुआ है, तो ये लाइन ध्यान में रखना क्या क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होता है ईच लोब्यूल में, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, 1 to 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है इनसाइड, विच इज ऑफ 2 टाइप, जो कि पहला मेल जर्म सेल है, दूसरी सर्टोली सेल है। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अब ये मेल जर्म सेल है ना, मेल जर्म जो सेल है वो जब मियोटिक डिवीजन जब करेगा तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेल जर्म से ही स्पर्म सेल का, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और सर्टोली सेल का क्या रोल है फिर? सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना न्यूट्रिशन के कैसे डिवीजन होगा? तो सर्टोली सेल विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दोनों का फंक्शन आपको पता चल गया। जर्म सेल क्या करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन करेगा म्यूटिक डिवीजन करके, और सर्टोली सेल उसी जर्म सेल को न्यूट्रिशन देगा ताकि वो स्पर्म फॉर्मेशन कर पाए। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टीशियल स्पेस। अब देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा आपको कि ये सब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो यहाँ पे देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल कंपार्टमेंट, अब इसी कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड का जो रीजन होगा ना, उसको इंटरस्टीशियल स्पेस कहेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि इंटरस्टीशियल स्पेस किसको कहते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर नोन एज इंटरस्टीशियल स्पेस, ठीक है। अब यही जो इंटरस्टीशियल स्पेस होते हैं वो छोटे छोटे ब्लड वेसल, इंटरस्टीशियल सेल और लेडिक सेल को क्या करते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल, अब एक एक करके सबका फंक्शन देख लो कि लेडिक सेल जो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन। यही टेस्टिकुलर हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जो कि कौन सा है टेस्टिकुलर हार्मोन? इट इज एंड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो कि इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ द मेल नेसेसरी डक्ट इंक्लूड। अब देखो
प्राइमरी ऑर्गन हमारा टेस्ट मेल का क्या है, टेस्टिस है। अब एसेसरी ऑर्गन्स भी तो होंगे ना, प्राइमरी तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है गैमेटोजेनेसिस में, एसेसरी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, डक्ट्स पहले देख लेते हैं, उसमें आता है रेटेटेस्टिस, ठीक है, यहाँ पे आपको रेटेटेस्टिस दिख रहा है। नाउ वैसा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। अब क्या क्या है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। रेटेटेस्टिस हमने देखा, वैसा इफरेंशिया देखो, ठीक है, उसके बाद है एपिडिडाइमिस दिस पार्ट, एंड उसके बाद आता है वैस डिफरेंस। आपको एक तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्रामेटिक व्यू है अच्छे से देख लो बिल्कुल, क्योंकि इसमें से मान लो आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाए, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाए, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाए, तो आप क्या लिखोगे? तो पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपने एक नोटबुक में बनाओ, चिपकाओ अपने रूम के अंदर, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब सबके फंक्शन पढ़ लेते हैं एक एक करके, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास एफरेंसिया थ्रू रेटेटेस्टिस। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, वो कहाँ ओपन होता है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या ओपन होता है? टेस्ट ओपन इनटू वास एफरेंसिया, ठीक है, वो वास एफरेंसिया में ओपन होता है थ्रू रेटेटेस्टिस, ठीक है, रेटेटेस्टिस से होते हुए, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगा वो पहले यहाँ ऐसे लिखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देन रेटेटेस्टिस, देन कहां पे ओपन हो रहा है? वास एफरेंशिया, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। अब देखो यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, ठीक है, अब यहां पे रेटेटेस्टिस है और यहां पे वास एफरेंशिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, देन रेटेटेस्टिस, देन वास एफरेंशिया। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सीक्वेंस भी पूछते हैं एग्जाम में, नीट के एग्जाम में स्पेशली, सीओईटी में भी पूछते हैं, ध्यान देना इसको, ठीक है। द वासाइफरेंशियल लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अब यहां से क्या होगा, वासाइफरेंशियल कहां खुल रहा है? लीव द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, ठीक है। नाउ द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन। यहां से क्या ओपन हो रहा है, मतलब आप समझ लो कि एक पाइप है, ठीक है, पाइप के अलग अलग पार्ट है, एग्जाम्पल थोड़ा मैं गलत दे रही हूँ मतलब, बट ये सबसे ज़्यादा लेम एग्जाम्पल है, इससे ही आप समझ लो एक पाइप है, उसमें पहले तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटेटेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। आप देखो मैंने यहाँ तक बताया था वास डिफरेंस तक, उसके बाद देखो एपिडिडाइमिस है ना, और एपिडिडाइमिस के बाद ये वास डिफरेंस, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ वो हम ध्यान से समझेंगे। पहले तो the epididymis lead to vasodifference that ascend to the abdomen and loop over urinary bladder. इसके बाद urinary bladder जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें जाके देखो, ठीक है, तो it receive a duct from seminal vesicle. एक duct होगा seminal vesicle और उसके बाद open होता है urethra में, और urethra के बाद ejaculatory duct होता है, ठीक है। तो वैसे डिफरेंस जो है उसके बाद क्या आएगा, अपना एब्डोमिनल लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, एक लूप जैसा बना हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको लूप जैसा बना हुआ दिखेगा, और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल लूप बना हुआ दिख रहा है ना, इसी को लूप कह रहे हैं, ये लूप है यूरेटर और ये वैसे डिफरेंस का। अब हमारा यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, और सेमाइनल वेसिकल के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल डक्ट सेमाइनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल कहाँ पे ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा में, ऐसे, ठीक है। अब यूरेथ्रा, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, देन फिर जब इजैकुलेशन का टाइम आएगा तो क्या होगा, इजैकुलेट हो जाएगा स्पर्म। देखो दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ये जो डक्ट है ना इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या करेगा कि स्टोर करेगा स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड, टेस्टिस से बाहर, मतलब टेस्टिस देखो आप यहां से बाहर, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, बट स्पर्म को इवेंचुअली बाहर इजैकुलेट होना है ना इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, तो टेस्टिस से फिर बाहर इस डक्ट के हेल्प से क्या होता है, इजैकुलेट होता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड इनटू पीनस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटर्स। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब आ कहाँ से रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से, और जा कहाँ रहा है, पीनस में, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्टली एक्सटर्नल ओपनिंग, जो कि मेल का एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, विच विल बी प्रेजेंट हेयर, ठीक है। नाउ यूरेथ्रल मीटस को अब हाईलाइट किया गया है, तो यूरेथ्रल मीटस क्या होता है, यूरेथ्रल मीटस होता है पीनस का एक्सटर्नल ओपनिंग,
ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे देखो सर्टोली सेल का पूरा डायग्रामेटिक व्यू है, सेक्शनल व्यू है, सेक्शन काटा गया है सर्टोली सेल का, मतलब सेक्शन को व्यू किया गया अंडर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपको देखो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोवा सब दिख रहे हैं, इंटरस्टीशियस सेल देखो, ये जो बताया था ना कैविटी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, लोब्स हैं उसके बाहर जो प्रेजेंट है वो देखो कैविटी, इस कैविटी को इंटरस्टीशियस स्पेस कहते हैं, हमने पढ़ा ना ऊपर। तो चलो एक एक करके, एक एक लाइन करके और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस क्या मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बॉडी के बाहर है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पीनस टू फैसिलिटेट इनसेमिनेशन। अब ये एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है ताकि इरेक्शन हो पाए, ताकि इनसेमिनेशन हो पाए, यानी कि जो ट्रांसफर है मेल गैमेट का वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में हो पाए, बिना इनसेमिनेशन के इट इज नॉट पॉसिबल। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनस कॉल्ड ग्लांस पीनस इज कवर्ड बाई ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। अब डायग्रामेटिक व्यू में आपको फोर स्किन दिख रहा होगा, दिस इज फोर स्किन। तो जो पीनस की जो आउटर कवरिंग है इट इज नोन एज फोर स्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड, अब हमने एसेसरी डक्ट पढ़ लिया ऊपर, ठीक है, एसेसरी डक्ट जो थे आपको रिवाइज करना होगा, ये दो रेटेटेस्टिस, वैसा रेफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैसा रेफरेंस, ठीक है, दीज आर एसेसरी डक्ट। नाउ कमिंग टू एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड क्या क्या होंगे, सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट, अ पेयर्ड ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये तीनों देख लो, पेयर्ड यानी कि दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होंगे। क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज फ्रक्टोज, रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो बेसिकली जो एसेसरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करते हैं, सेमाइनल वेसिकल, जो एसेसरी ग्लैंड हैं जैसे सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल, ये सब सिक्रीशन में हेल्प करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब देखो स्पर्म का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है कि क्या होगा, सीमेन होगा, ठीक है, उसके अंदर स्पर्म्स होंगे, ठीक है, स्पर्म्स होंगे उसके अंदर, सीमेंस के अंदर बहुत सारे। अब ये सेमाइनल प्लाज्मा है, अगर स्पर्म को हटा दे तो जो बचा सेमाइनल प्लाज्मा जो कि रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम में बहुत ज़्यादा रिच है, वो सब एसेसरी ग्लैंड की वजह से है, एसेसरी ग्लैंड के प्रोडक्शन की वजह से है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर क्लियर नहीं है, कुछ पॉइंट रह गए हैं, आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो यू कैन कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, क्या होगा, ओवरी होगा, अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन पे ही होगा, हिप्स एरिया के अराउंड होगा, ठीक है। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, इनके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या है, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड भी फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेमोरी ग्लैंड भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ओवरीज, ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओबुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। क्योंकि क्यों है मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड भी जो है वो फंक्शनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओबुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, I have to choose another highlighter. Ovaries are the primary female sex organ. अब primary sex organ के बारे में मैंने आपको बताया कि primary sex organ वो organ होते हैं जो कि directly gametogenesis में involve होते हैं। अब simple सी बात है, ovary क्योंकि ovum produce कर रही है तो primary sex organ हो गई female की। Now ovary are the primary female sex organ जो कि ovum produce करती है, which is female gamete. And several steroid hormones. Ovary कुछ hormone भी produce करती है, जैसे ovarian hormones होंगे। द ओवरी आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड, दो ओवरीज होंगे, दोनों एक एक साइड होंगे, ठीक है, आपके पेल्विक रीजन के अराउंड, लोअर एब्डोमेन पे होंगे। ईच ओवरीज ऑफ 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा, इज कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल, पेल्विस वॉल से कनेक्टेड होगी और यूटरस के लिगामेंट से कनेक्टेड होगी, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई थिन एपिथीलियम विच इंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, तो थिन एपिथीलियम से कवर्ड होगा, ठीक है, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को इंक्लोज कर रहा है, उसके अंदर है, ठीक है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, दो जोन है ओवेरियन स्ट्रोमा का, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। अभी ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखो आपको, चलो हम स्टार्ट करते हैं यहां पे यूटरस, ठीक है, जहां पे इम्प्लांटेशन होगा, बेबी का बर्थ, फिर गेस्टेशन पीरियड पूरा यूटरस के अंदर होगा, यूरेथ्रा, क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, माइनोरा, मेजोरा, वजाइनल ऑरिफिस, एनस भी एक्सटर्नल है, वजाइना, रेक्टम, और रेक्टम इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट को फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब में आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या बता दिया, फिलोपियन ट्यूब कहाँ से आ गया। ओविडक्ट ही है फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। यूटेरस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे फीमेल एसेसरी डक्ट भी हमें पढ़ना है, जो कि है ओविडक्ट, फिलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, ये तीनों मिलके हमारा फीमेल का एसेसरी डक्ट बनाता है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद रखना है आपको ये सारे पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा अपना फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जो कि है, और एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस। अब देखो ओवरी के पेरीफेरी से कहाँ जा रहा है, ये यूटरस तक जा रहा है, ये ओवरी हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, तो देखो ये फेलोपियन ट्यूब है ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ओवरी से यूटरस तक जा रहा है, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी फनल शेप्ड इन फंडिबुलम। यहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब का तीन पार्ट है, 1, 2 and 3। तो जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है ना, दिस पार्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज इन फंडिबुलम, जो कि फनल शेप्ड भी है। द एजेस ऑफ द इन फंडिबुलम पजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। अब देखो इन फंडिबुलम तो ये पूरा एरिया हो गया, अब इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्पेशली जो है ना, इसको हम कहते हैं फिम्बरी। आप पूछेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, एफ से फिंगर, एफ से फिम्बरी, ऐसे याद रख लेना। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम फ्रॉम ओवुलेशन आफ्टर ओवुलेशन। ये क्या करेगा, हेल्प करता है ओवम के कलेक्शन, मतलब एग को कलेक्ट करेगा ओवुलेशन के बाद, ठीक है। और कहाँ पे भेजेगा, यूटरस में भेजेगा। नाउ द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर क्या पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल एम्प्योला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इट्स इस्थमस इज अ नैरो एंड इट जॉइन द यूटरस। तो देखो इनफंडिबुलम के बाद यहाँ पे एम्प्योला आ गया, और एम्प्योला के बाद क्या आ गया, इस्थमस आ गया, और इस्थमस ही डायरेक्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है यूटरस को। होपफुली इट इज क्लियर। द यूटरस इज सिंगल। अब यूटरस क्या है, यूटरस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब। एक है, सिंगल का मतलब एक है, पेयर में नहीं है, सिंगल है, ऑल्सो उसको वोम्ब भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूटरस इज इन्वर्टेड पेयर। नाशपाती देखा है आपने, नाशपाती को जब उल्टा करके रखा जाए तो इस तरीके से होगा, तो यही पार्ट है ना, इस तरीके से होता है ना नाशपाती, बस इसको उल्टा कर लो, आपको देखो इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है यूटरस। नाउ इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू पेल्विक वॉल। लिगामेंट के द्वारा सपोर्टेड है ऑब्वियसली। द यूटरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, ठीक है। यूटरस कहाँ से ओपन हो रहा है, वजाइना में ओपन हो रहा है, यूटरस वजाइना को ओपन होता है। कैसे ओपन होता है, ये सर्विक्स बीच का जो पार्ट है ना, सर्विक्स उसके उसको होते हुए, ठीक है। सर्विक्स आया, देन सर्वाइकल कैनाल आया, ठीक है, देन क्या आया, वजाइना आया। सो द कैविटी फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल होगा जो सर्वाइकल कैनाल। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जो कि मैंने बताया आपको, ठीक है। और विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि क्या बनाता है वो आपको पता होना चाहिए। सो दीज टू मेक बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी का बर्थ होगा, ठीक है। सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत मार्क कर दिया है। यहाँ देखो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना इधर है ना, ठीक है। चलो नाउ द वॉल ऑफ यूटरस हैज थ्री लेयर, ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से पढ़ो। द वॉल ऑफ यूटरस हैज थ्री लेयर, थ्री लेयर है यूटरस वॉल का। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन इज पेरीमेट्रियम, बाहर का जो वॉल है पेरीमेट्रियम। देन मिडिल थिक, मिडिल का मायोमेट्रियम, मायो मिडिल, ठीक है, पेरी मतलब आउटर, और अंदर का एंडोमेट्रियम, ठीक है, दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी। समझो क्या लिखा है, कैसे पढ़ना है, यहाँ पे देखो लिखा है पेरीमेट्रियम बाहर का पार्ट, मायोमेट्रियम बीच का पार्ट, ठीक है, और एंडोमेट्रियम अंदर का पार्ट, जो कि डायरेक्टली लाइन कर रहा है यूटरस को, ठीक है। नाउ आई होप इट इज क्लियर, पिक्चर के मदद से बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तो इसलिए मैं पिक्चर भी दिखाते जा रही हूँ आपको। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एंडोमेट्रियम में ही ये सारे चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, सो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंडोमेट्रियम होता है उसी की वजह से ये साइक्लिकल चेंज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। व्हाइल मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। और मायोमेट्रियम का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। आप देखो उतना बड़ा बच्चा यूटरस से, वजाइना से बाहर कैसे आ रहा है, तो ऐसी टिश्यू है, ऐसा सेल प्रेजेंट है जो कि मायोमेट्रियम है, ठीक है। मायोमेट्रियम के हेल्प से क्या होता है, बेबी की डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है।
नाउ द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंटरनल का पढ़ लिया आपने, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में देखो क्या क्या आता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड वॉट वॉट, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमिन एंड क्लिटरिस, ठीक है। अब मॉन्स प्यूबिस क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस होगा क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई प्यूबिक हेयर, जहाँ पे प्यूबिक हेयर होगा, ठीक है, और थोड़ा क्यूशन, क्यूशन का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी सॉफ्ट, ठीक है। द लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड होगा टिश्यू का लेबिया मेजोरा जो आउटर साइड पे, विच एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस एक्सटेंडेड होगा सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग जो होती है उसके अराउंड होगा, ठीक है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड, लेबिया माइनोरा भी क्या है, फोल्ड ही है, पेयर्ड फोल्ड है अंडर द लेबिया मेजोरा, मतलब आप समझो कि बाहर जो होगा वो लेबिया मेजोरा होगा और अंदर जो होगा वो क्या होगा, लेबिया माइनोरा होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगी हमारी, वजाइनल ओपनिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ओपनिंग वजाइना का हाइमन से कवर्ड है, सो वट इज हाइमन, द ओपनिंग हाइमन इज अ पार्ट ऑफ वजाइना, ठीक है, हाइमन इज अ मेम्ब्रेन जो कि जिसकी जो ओपनिंग है वो वजाइना के थ्रू होगी, ठीक है, वहाँ पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा वो हाइमन होगा। द क्लिटरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइक अपर एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, क्लिटरिस कहाँ पे होता है, टू अपर, यहाँ पे जो लेबिया माइनोरा है ना इसके ऊपर, यहाँ यहाँ पे, ठीक है। चलो नाउ द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स, सो हाइमन इज अ थिन मेम्ब्रेन और ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स इट गेट टॉर्न, यानी कि वो टूट जाता है, हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पोन्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। तो जो हाइमन होता है वो बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है, तो अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसमें ये जो होते हैं मेम्ब्रेन वो टूट सकते हैं, वो पहले ही टॉर्न हो सकते हैं, और वो हो सकता है मान लो सडन फॉल की वजह से गिर गए, जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पोन जो कि यूज़ करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, टैम्पोन्स, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर किसी का स्पोर्ट्स में है जैसे हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग, तो भी हाइमन कैन बी टॉर्न, ठीक है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, और किसी किसी वुमेन में हाइमन जो होते हैं वो इवन आफ्टर कोइटस यानी इंटरकोर्स के बाद भी प्रेजेंट रहते हैं, सो इट डिपेंड कि किस मतलब डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि उनमें कैसा है, उनमें किस टाइप का हाइमन प्रेजेंट है, ठीक है। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, हमने पढ़ा कि मेमोरी ग्लैंड इट इज ऑल्सो पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो इसका भी डायग्रामेटिक सेक्शन देखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्या क्या है। अब जो सबसे पहले आपको दिख रहा है एरियोला, देन निप्पल, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गए, दिस पार्ट एम्प्यूला हो गया, ये वाला पार्ट एम्प्यूला है, मेमोरी डक्ट जो होता है इधर वाले पार्ट को कहते हैं, मेमोरी एल्वियोलस ये हो गया, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी लोब क्या होता है, ये सारे जो लोब्स प्रेजेंट है ना पिंक कलर के ये सारे होंगे, फैट टिश्यू होगा ये, ठीक है, मेमोरी लोब ये रहा और फैट टिश्यू ये जो बाहर डिपोजिट दिख रहा है आपको ये फैट टिश्यू है, ठीक है, दिस इज फैट टिश्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिब है इधर, मसल बिटवीन रिब्स और पेक्टोरैलिस मेजर मसल है, तो ये डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, आपको हो सके तो चिपका लेना, मेनली ये इंपॉर्टेंट है बट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम मेमोरी ग्लैंड के बारे में फंक्शन, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल, अगर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल है तो ही पता चलता है कि वो फीमेल मैमल का ये कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल है तो। मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड होते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो डिवाइडेड है कि 15-20 मेमोरी लोब होगा एक तो, ठीक है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल एल्वियोली, एल्वियोली हमने मैंने देखा पीछे, द सेल ऑफ एल्वियोली सिक्रीट मिल्क, मिल्क कहाँ से सिक्रीट हो रहा है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, देख लो यहाँ पे ध्यान से, एल्वियोली सिक्रीट्स मिल्क विच इज स्टोर इन कैविटीज ल्यूमिन ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली सिक्रीट करेगा मिल्क और वो स्टोर हो जाएगा एल्वियोली के ही ल्यूमिन में, ठीक है, जो कैविटी है, द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होगा, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी डक्ट, ठीक है। अब जो ईच लोब का मतलब दोनों लोब का जो ट्यूब्यूल होगा वो जॉइन करके क्या बनाएगा, मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, सो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लो, मैं दिखा देती हूँ आपको क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, द सेल ऑफ एल्वियोली सेल सिक्रीट मिल्क, ठीक है, एल्वियोली सेल क्या करता है, मिल्क को सिक्रीट करता है, ठीक है, मिल्क मिल्क को सिक्रीट करेगा, नाउ द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल और मिल्क सिक्रीट करेगा, स्टोर कहाँ रहेगा, एल्वियोली के कैविटी में, अब ये ओपन कहाँ होगा,
मेमोरी ट्यूब्यूल में, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आधा लिख रही हूँ, आप समझ जाना ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल में द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। अब ईच लोब, दोनों लोब, दो लोब होंगे तो दो का ट्यूब्यूल ज्वाइन करके क्या बनाएगा, मेमोरी डक्ट। ठीक है, अब मेमोरी डक्ट से क्या बन रहा है, द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट। अब बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्प्यूला। सो इस टाइप से भी आपको पूछ सकते हैं, पेपर में ऑप्शंस आएंगे आपको। मान लो इसको शफल कर दिया, मेमोरी ट्यूब्यूल ऊपर कर दिया, मेमोरी डक्ट नीचे कर दिया, इस टाइप से। विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू मिल्की सैक डाउट, यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा, लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, और लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही मिल्क जो है वो बच्चे के द्वारा सक आउट किया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वहां तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है मैं आपको बोल रही हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड है क्योंकि। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, गैमेट और जेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया जो डायरेक्ट गैमेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल। तो टेस्टिस ओवरीज से क्या बनेंगे, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, टेस्टिस विल प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरी विल प्रोड्यूस ओवम। सो इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म जो इमेच्योर मेल जर्म है, मेल जर्म सेल है, उनको कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया, और प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो मेल जर्म होगा, इन इमेच्योर मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसी के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस बाय विच द इमेच्योर मेल जर्म सेल विच इज स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दैट बिगिन्स एट प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी में होता है। याद रखना कि मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, बट फीमेल के अंदर बर्थ से ही ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट है, हमने पहले भी पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल यानी अंदर की वॉल पे प्रेजेंट होगा बाय मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, ईच स्पर्मेटोगोनिया क्या है, याद रखना स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, डिप्लॉयड। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी 2N। सो स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड है, वो कंटेन करता है 46 क्रोमोजोम यानी कि 23 पेयर्स। ठीक है, नाउ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटो जो गोनिया है उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, जो कि पीरियोडिकली क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो यही स्पर्मेटोगोनिया है प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोगोन जो स्पर्मेटोसाइट होगा वो 2N होगा और इससे हैप्लोइड यानी कि N बनेंगे, यानी कि यहाँ पे जब 23 पेयर्स थे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, लीडिंग टू कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम। ठीक है, जो मैंने अभी बताया ओनली 23 क्रोमोजोम होंगे इनके पास ईच। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड। आप देखो इसके बाद स्पर्मेटिड बनेंगे। ठीक है, स्पर्मेटिड के टाइम पे क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो इक्वल प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ठीक है, कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है लीडिंग टू टू हैप्लोइड सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी बना, 23 पेयर से 23 बना। ठीक है, 46 था अब 23 हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से डिवीजन हो रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड। तो इसमें कितने नंबर ऑफ होंगे, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो ध्यान रखना कितने होंगे, तो आंसर इज 23। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 23।
नाउ द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड, स्पर्मेटिड जो है अब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो इसी को आपको एक अपने शॉर्ट नोट में लिखना होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट में लिख लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, अब ये जो स्पर्मेटिड है ना, इससे जो स्पर्मेटोजोआ बन रही है इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। सो द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का जो हेड है वो इम्बेड हो जाएगा सर्टोली सेल के अंदर, ठीक है। स्पर्म का हेड कहाँ हो जाएगा, सर्टोली सेल के अंदर। ये दिस इज सर्टोली सेल, यहाँ देखो ये सर्टोली सेल है। तो स्पर्म का हेड कहाँ, सर्टोली सेल के हो जाएगा अंदर इम्बेड, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रिलीज हो जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। सो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, स्पर्मिएशन। सो जो सेमिनिफेरस से जो स्पर्म रिलीज हो रहा है ना, जो सेमिनिफेरस से ये जो स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो रहा है, इट इज नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको कहेंगे, कहाँ से रिलीज हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इसी को हम स्पर्मिएशन कहेंगे, ठीक है। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब पूरा गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब मेल गैमेट का स्पर्म का फॉर्मेशन, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग GnRH। गोनेडोट्रोपिन की का जब सिक्रीशन होता है, स्टार्ट इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब आपको देखो याद है हार्मोन वाला 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये जो गोनेडोट्रोपिन है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन यानी कि हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाता है, ठीक है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन। अब दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है यहाँ पे स्टिमुलेट होंगे, LH एंड FSH, ठीक है। LH आपका ल्यूटिनाइजिंग होगा और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना कि कैसे कैसे दोनों का फंक्शन है वो देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो। LH क्या करता है, LH एक्ट एट लेडिक सेल। लेडिक सेल याद करो, आपको ऊपर पढ़ना था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था। लेडिक सेल LH सेल किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल पे, और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। तो जो लेडिक सेल है वो एंड्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। वो किसकी वजह से, LH की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन की वजह से ही क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट होगा। ये आपका LH का काम हो गया। कमिंग टू FSH, FSH जो है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा आपके सिक्रीशन ऑफ सम अदर फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखो कि LH जो है वो एंड्रोजन रिलीज करेगा और वो जो क्या हेल्प करेगा किस प्रोसेस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब ओवरऑल मेल गैमेट के फॉर्मेशन में। और FSH जो है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और किस प्रोसेस में हेल्प करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे आप दो चीज़ों का ध्यान रखो, LH, LH जो है वो लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, ठीक है। LH एक्ट एट लेडिक सेल और उस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। FSH जो है वो सर्टोली सेल पे जो है क्या करेगा, एक्ट करेगा और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब जब यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, द स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म टू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, यानी इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस, इससे ये बना तो इसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, तो ठीक है, ये याद रखना क्या क्या है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आ जा सकता है आपके एग्जाम में, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये सब आपको ध्यान रखना है। एक शॉर्ट नोट बना लो, उसमें सारा लिख लो। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, हेड है यहाँ पे, ये नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया है, और टेल हो गया, ठीक है। अब देखो हेड के अंदर क्या क्या है, एग्जाम में पूछते हैं हेड के अंदर क्या क्या आता है। तो हेड के अंदर आपका एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो है ही, एक्रोसोम हो गया और न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। उसके बाद नेक है, और ये पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से पार्ट ऑफ स्पर्म में होता है मेनली प्रेजेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडिल पीस पे, ठीक है। और टेल किस चीज़ में हेल्प करता है, वो आपका चल के जाने में हेल्प करता है, टेल आपका, ठीक है, हेल्प करेगा ताकि जो है वो स्पर्म ट्रैवल कर पाए। चलो नाउ हम आते हैं अब, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब कि आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देख सकते हो, नेकेड आई से विजिबल नहीं है ये। कंपोज्ड ऑफ हेड, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, एंड अ टेल है, ठीक है। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल हो गया, ठीक है। ये चार पार्ट मैंने आपको बता दिया, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो पूरे स्पर्म के बॉडी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इन्वेलप की तरह. द स्पर्म हेड इज एलोंगेटेड एंड एलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस. स्पर्म के हेड के हेड इलोंगेटेड है, थोड़ा ऐसा इलोंगेटेड है ना, और इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या है, हैप्लोइड है. ठीक है. द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्रोसोम. इंटीरियर पोर्शन देखो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्रोसोम. नाउ द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन. अब देखो ये एक्रोसोम के पास ना एंजाइम होता है जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा. ठीक है. द मिडिल पीस के पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है विच प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है स्पर्म का, तो एनर्जी तो चाहिए. तो याद रखना है एक्रोसोम का फंक्शन है कि एंजाइम उसके पास है और वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा. ठीक है. मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी. एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि टेल को मूव करना है, मूवमेंट चाहिए. दैट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. अब जब स्पर्म मूव ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन इज इम्पॉसिबल. सो इसीलिए टेल है स्पर्म के पास. नाउ यहां पे देखो आप, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस. ठीक है. एक कोइटस के दौरान, इजैकुलेशन के दौरान जो ह्यूमन मेल है वो अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट कर रहा है. ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप और साइज. अब मान लो कि अब कोई कपल है वो कंसीव करना चाहते हैं. ठीक है. और अगर स्पर्म जो 60% स्पर्म है सीमेन के अंदर वो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि उनका शेप साइज वो अगर नॉर्मल है तब जाके नॉर्मल फर्टिलिटी हो सकती है. 40% उसमें हो सकता है कि ठीक ठाक नहीं हो तो चलेगा, बट 60% का होना, यानी मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म शुड बी नॉर्मल. ठीक है. नाउ अब आते हैं स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. स्पर्म रिलीज हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से. व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज, याद करो स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्मिएशन कहते हैं इसको. ठीक है. हमने ऊपर पढ़ा है, देख लो आप यहाँ पे, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन. ठीक है. सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन, वैस डिफरेंस, सेमेनियल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैचुरेशन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. तो जो एपिडिडाइमिस सिक्रीट करेगा, वैस डिफरेंस, सेमेनियल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब जो सिक्रीट करता है ना वो हेल्प करता है स्पर्म के मैचुरेशन और मोटेलिटी में. द सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेन. सीमेन क्या है, स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा. This is known as semen. मैंने आपको ऊपर भी बताया था semen. ठीक है. The function of male accessory duct and gland are maintained by testicular hormone. अब ये जो function है, अब function कर रहा है accessory duct male का, ये किसके द्वारा control किया जाता है, किसके द्वारा maintain किया जाता है, इस hormone के द्वारा. So this hormone play a very important role in functioning of male sex accessory ducts and glands. ठीक है. Now द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज ओजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया हमारा, मेल में कैसे फॉर्मेशन होता है गैमेट का हो गया हमारा. नाउ कमिंग टू फीमेल, फीमेल में कैसा होता है. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज ओजेनेसिस. मेल का क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस. इन फीमेल इट इज नोन एज ओजेनेसिस विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा ना. ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एट अ स्टेज व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमेट, वेन कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल ओगोनिया आर फॉर्म विद इन द फीटल ओवरी. अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक बच्चे, एक लड़की, मतलब उसका बर्थ होने के पहले, ठीक है, ही जो है जब वो फीटस ही हैं, एक फीमेल फीटस ही हैं, तभी क्या होता है, बहुत सारे ओवम प्रोड्यूस होने लग जाते हैं कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जो कि ओगोनिया कहा जाता है. ठीक है. नो मोर ओगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ. तो बर्थ होने के बाद, जैसे मान लो पार्चुरेशन हो गया, उसके बाद कोई ओगोनिया एड नहीं होता. जब वो फीटस है ना, जब वो मदर के वुम्ब में ही है, तभी मिलियंस ऑफ ओगोनिया फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. तो मेल में क्या था, प्यूबर्टी के बाद था, मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तभी होता है. फीमेल में क्या है, बर्थ के भी पहले हो रहा है. ठीक है. और बर्थ के बाद कोई ओगोनिया ऐड नहीं होगा, वही ओगोनिया क्या कंटिन्यूअस रहेगा लास्ट तक, और लास्टली मेनोपॉज हो जाएगा, यानी ओगोनिया आपका खत्म हो गया. These
These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested. अब आपको अगर याद होगा 11th class में cell cycle and cell division में आपने phase पढ़ा है G1, G2, S phase, तो उसमें ही prophase 1 में क्या होता है कि अब देखो female का birth हो गया, ठीक है, मान लो कि baby girl हो गई, ठीक है, baby girl. अब क्या होता है कि जो egg cell है ना oogonia, क्योंकि बहुत सारे million of egg cell हैं, ये प्रोफेज वन में ही अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि रुक जाता है यहाँ पे इनका डिवीजन, रुक जाता है हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररी, ठीक है, रुक जाता है. अपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बाकी मैं 11th का भी चैप्टर कवर कराऊंगी तो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है. एंड गेट टेम्पररली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट. प्राइमरी ओसाइट जो स्टेज है उसमें क्या होता है, टेम्पररली डिवीजन रुक जाता है. ओके, सो नाउ each primary oocyte then gets surrounded by layer of granulosa cell and is called primary follicle. ठीक, follicle, ठीक है. अब जो primary oocyte है वो surrounded, क्या किससे surround हो जाता है, मान लो ये primary oocyte है, it gets surrounded by granulosa cell, ठीक है, ये किसके द्वारा surround हो जाता है, granulosa cell के द्वारा, ठीक है. और A large number of this follicle degenerate during the phase of from birth to puberty. धीरे धीरे ये जो सेल हैं, जो ये जो आपके सेल हैं प्राइमरी ओसाइट जो है, वो धीरे धीरे क्या होता है, लूज होने लग जाते हैं. उसी को मैं, आप देखो ये आपने देखा ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट, और प्राइमरी ओसाइट से क्या कवर हो रहा है, हमारा ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है. अब क्या होता है, गेट्स सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा लेयर एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल एंड दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल. सो मैं आपको एक बार इसको ना थोड़ा सा अच्छे से लिख के बता देती हूँ, सो आपके लिए अच्छा होगा ये पढ़ने में. प्राइमरी ओसाइट, सॉरी, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट प्लस ग्रैनुलोसा लेयर, ये मिलके क्या बन रहा है, ग्रैनुलोसा सेल ही लिखो, ज़्यादा बेटर है. तो क्या बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है. अब देखो फिर क्या होता है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी आने तक, मान लो एक लड़की बहुत छोटी है, बर्थ हुआ उसका, उसके बाद प्यूबर्टी आने तक क्या होगा, यही जो फॉलिकल्स होंगे वो लूज होते जाएंगे, डीजनरेट होते जाएंगे, ठीक है, डीजनरेट होते जाएंगे, क्योंकि लाइफ है ना सेल की, तो लाइफ होती है, डीजनरेट होते जाएंगे. देयर फॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. तो प्यूबर्टी आने आने तक, जैसे मान लो प्यूबर्टी 12 ईयर 13 ईयर प्यूबर्टी कब आएगी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा. सो 60, तो प्यूबर्टी आने तक 60,000 to 8,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे, ठीक है, लेफ्ट इन ईच ओवरी, दोनों ओवरीज के अंदर, ठीक है ना. नाउ द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर. पहले एक लेयर था ग्रेनुलोसा सेल का, अब नाउ अ न्यू थेका कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. अब इसके बाद ये पर्पल वाला लेयर मैंने जो बनाया उसको आप समझ लेना कि वो दूसरा लेयर है, ठीक है. नाउ अब इसी में ही मान लो एक और लेयर मिल गया, ठीक है, एक सेकेंड, एक और मिल गया न्यू थेका, तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है. नाउ सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर इन टू टर्शरी फॉलिकल. सेकेंडरी के बाद टर्शरी फॉलिकल बनेगा विच इज कैरेक्टराइज बाय फ्लूइड फिल कैविटी कॉल एंट्रम. अब टर्शरी जो फॉलिकल है उसका कैरेक्टरिस्टिक एंट्रम है. प्राइमरी फॉलिकल कैसे होगा, प्राइमरी ओसाइट प्लस ग्रेनुलोसा सेल. सेकेंडरी क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट प्लस ग्रेनुलोसा सेल प्लस थेका. और नाउ टर्शरी में एक चीज ऐड होगी, एंट्रम, तो टर्शरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है. अब ये सब क्यों बन रहा है आपको आगे चल के पता चलेगा. द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थेका इंटरना एंड आउटर थेका एक्सटर्ना. दो थेका है, मतलब थेका का दो लेयर है, इंटरना एंड एक्सटर्ना. इंटरना विल बी इनसाइड एंड एक्सटर्ना विल बी आउटसाइड ऑफ इंटरना. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. आप देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि प्राइमरी ओसाइट इस टाइम पे टर्शरी फॉलिकल जब है यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बना, एंट्रम जो उसमें फ्लूइड फिल कैविटी है, उस टाइम पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा, ठीक है. सो इस टाइम पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीटिंग फर्स्ट डिवीजन. यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट ग्रो करेगा और क्या करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा. इट इज एन अनइक्वल डिवीजन होगा, वेयर अ लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी ओसाइट एंड अ टाइनी पोलर बॉडी इज फॉर्म.
दो, देखो एक तो पोलर बॉडी फॉर्म होगी और एक लार्ज ऊसाइट फॉर्म होगी, तो दो चीजें फॉर्म होगी और इसलिए अनइक्वल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी ऊसाइट रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। सेकेंडरी ऊसाइट में क्या रहेगा? बल्क रिच साइटोप्लाज्म रहेगा न्यूट्रिएंट के लिए ऑफ द प्राइमरी ऊसाइट, तो सेकेंडरी ऊसाइट विल बी बल्कियर। नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर द, क्यों है एडवांटेज? अभी मैंने बता ही दिया एडवांटेज आपको। डू डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट? अब आपको बताना है, ये कॉमन में बताओ। ये एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इन टू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। तो अब देखो कैसे बन रहा है वो देखो। अब प्राइमरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना, ठीक है, बीच में सेकेंडरी आएगा, टर्शरी बना, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बना और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल इज ऑल्सो नोन एज मैच्योर फॉलिकल। फॉलिकल द सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसेडा, ठीक है। अब यहां पे आता है सेकेंडरी जो ऊसाइट है उसके बाहर लेयर बनेगा जोना पेल्यूसेडा का। दिस इज सेकेंडरी ऊसाइट और बाहर लेयर बना जोना पेल्यूसेडा का, ठीक है। सेकेंडरी ऊसाइट के पास कौन सा लेयर है? व्हाट इज जोना पेल्यूसिडा? सो जोना पेल्यूसिडा इज द लेयर विच सराउंड सेकेंडरी ऊसाइट। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ऊसाइट। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज करेगा, ठीक है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो समझो, यहाँ पे प्राइमरी है, प्राइमरी ऊसाइट है ना, प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट के बाहर क्या बना? लेयर बना हमारा, कौन सा लेयर बना? यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लेयर बना, एंड दिस लेयर इज नोन एज ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल का लेयर बना। देन उसके बाद कौन सा? न्यू थेका बना, थेका दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो प्राइमरी ऊसाइट, देन सेकेंडरी ऊसाइट, देन बाहर जो है टर्शियरी ऊसाइट बना, देन ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बना। तो यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, बाहर का जो फॉलिकल ये जो रप्चर होगा, रप्चर होकर क्या निकलेगा इसके अंदर से? सेकेंडरी ऊसाइट निकल जाएगा। सो सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। सो जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको ये लग रहा है, अगर आप अच्छे से ध्यान से इसको सुन रहे होगे तो आपको उतना ही आसान लग रहा होगा। सो देखो, अब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होता है, टूटता है और सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। सो द प्रोसेस बाय विच ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी ऊसाइट फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से पढ़ लो। ओवुलेशन क्या है? When graafian follicle rupture and release secondary oocyte, which is ovum from the ovary is known as ovulation. अब जो secondary oocyte है उसी को हम ovum कहते हैं। This is secondary oocytes. Now, can you identify major difference between spermatogenesis and oogenesis? आपको difference लिखना है, अगर आप class 12th में हो तो ये difference वाला question आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। Now, अब देखो जो भी होगा इस ovum के साथ में होगा, जो आपका secondary oocyte है ना वहाँ होगा। यहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाया हुआ है कि ओगोनिया है, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी ऊसाइट बना, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपको बताया था होता है ना, ओवुलेशन के पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वो होता है प्राइमरी ऊसाइट में, और सेकेंडरी ऊसाइट बनता है, सेकेंडरी ऊसाइट से फिर क्या? ओवम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, प्राइमरी ऊसाइट फीटल लाइफ में ही बन जा रहा है, ठीक है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो हो रहा है बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में हो रहा है। इसमें बहुत सारे एग लूज होते हैं, जो लास्ट में बचता है कितना बचता है, कितना बचता है? 60 to 80,000, वन सेकेंड, 60 to 80,000, यस, 60 to 80,000 ही एग बचेंगे, ठीक है। अब देखो फिर उसका सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, देन ओवम बनेगा, है ना, और बाहर लेयर बनते जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से निकल के सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, फिर यहाँ पे ओवम, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का दे रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया, यहाँ से प्राइमरी बना देन सेकेंडरी बना, यहाँ पे कोई बर्स्ट वर्स्ट कुछ नहीं हो रहा है कि बाहर का लेयर बन रहा है देन सराउंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सीधा यहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड हुआ, देन स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है। अब क्रोमोसोम का नंबर देख लो, यहाँ पे 23 पेयर्स है, कब? जब ये ऊगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया है, जब माइटोसिस होता है, यहाँ मियोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो बीच में चेंजेस हुए, यहाँ पे 46 का 46 ही रह गया, 46 मतलब 23 पेयर, देन फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें कितना 23, सेकेंडरी ऊसाइट है उसमें कितने है? 23, है ना, फिर लास्टली स्पर्मेटोजोआ और ओवम उसमें कितने है? 23, मैंने आपको ऊपर आंसर बता दिया था ऑलरेडी, ये याद कर लेना, ये वाले भी डायग्राम एग्जाम में आते हैं, मतलब आपको 1, 2 यहाँ पे खाली मिल जाएगा और आपको लिखना होगा क्या बना, क्या बना आपको बताना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें पढ़ना है तो पढ़ते हैं चलो। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, जैसे मंकी हो गए, एप्स हो गया, ह्यूमन बींग हो गए, हम सारे क्या हैं, प्राइमेट्स हैं। इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है, प्यूबर्टी आने पे ही होता है, ठीक है, जिसको मेनार्क कहते हैं। व्हाट इज मेनार्क, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पहली बार जब स्टार्ट होता है ना तब उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 days, यानी हर मंथ एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, ठीक है, हर मंथ मेनली, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, द वेल डिफाइंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट वन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब साइकिल है तो घूम फिर के वही आएगा ना, तो पहला मेंस्ट्रुएशन से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, देन दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब किसी के साइकिल में 28 डेज हो सकते हैं, किसी के साइकिल में 29 हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, इट कैन वेरी। वन ओवम इज रिलीज्ड, और यही ओवम जो रिलीज्ड हो रहा है ना इसी को ओवुलेशन कहते हैं, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लो कि साइकिल कितने दिन का है, यहाँ पे लिखा है 28 डेज। अब मिडिल ऑफ द साइकिल यानी 28 बीच, तो कितने डेज पे ओवुलेशन होगा, एग ओवम रिलीज होगा, 14 डेज पे, ठीक है, मिडिल ऑफ द साइकिल, तो 48 डेज होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, समझ जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी आपके लिए, नहीं समझोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं आपको भी समझा दूंगी इसको, ठीक है। नाउ द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर, मेजर इवेंट जो है आपका सब वहाँ पे फिगर में मेंशन है। द साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के साथ स्टार्ट होता है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। अब देखो कैसे होता है ना, साइकिल अकर हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल फेज, अभी मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो हो रही है 3 to 5 days के लिए लास्ट करेगा, समटाइम इट कैन वेरी टिल 3 to 7 days। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मान लो 3 to 5 days के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 3 to 5 days के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का फेज है। अब यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, अब देखो हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, क्योंकि ये सब हार्मोन की वजह से ही हो रहा है ना, सो ओवेरियन हार्मोन, ये ब्लू वाली एस्ट्रोजन है और नीचे वाली प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। अब इसको आपको देखना है कैसे कैसे ऊपर लेवल जा रहा है, कब कौन से फेज में मेंस्ट्रुएशन के कौन सा हार्मोन ऊपर जा रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन FSH और LHP रेगुलेट करता है, क्योंकि द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग। अब इंडोमेट्रियम ने पढ़ा था, याद करो यूटरस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो थी इंडोमेट्रियम थी, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब ब्रेक होती है अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ द वजाइना, जो वो क्या होता है वजाइना के बाहर, वजाइना के बाहर थ्रू जो इंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं ब्लड है उसके थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द एग रिलीज इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग रिलीज हुआ है, ठीक है, मान लो ओवरी से एग रिलीज हुआ यूटरस के अंदर और फर्टिलाइज नहीं हुआ तभी होगा मेंस्ट्रुएशन, अदरवाइज व्हेन इट गेट फर्टिलाइज तब क्या होगा, क्या होगा, तब होगा इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो याद रखो इफ एग नॉट गेट फर्टिलाइज्ड देन मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेटिव ऑफ लैक ऑफ प्रेगनेंट, मतलब मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है तो समझो कि वुमेन इज नॉट प्रेगनेंट, ठीक है, मेनली ऐसा होगा। सो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी, मे बी नॉट 100% चांसेस, ठीक है। अब देखो हाउएवर इट ऑल्सो बी कॉज टू सम अदर अंडरलाइंग इशू लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, मान लो कि किसी को स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, PCOD है, तो भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होते हैं। नाउ द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाई फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारा फॉलिकुलर फेज विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोलीफेरेटिव फेज आता है, ठीक है। अब प्रोलीफेरेटिव फेज देखो कहाँ तक लास्ट कर रहा है, यहाँ 14 days तक, ठीक है, यहाँ तक प्रोलीफेरेटिव फेज आ रहा है 5 दिन के बाद से दिस फेज। अब इसमें क्या होता है वो देखो, प्रोलीफेरेटिव ड्यूरिंग दिस फेज, प्रोलीफेरेटिव फेज के अंदर द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल याद होगा आपको, ग्रो टू बिकम फुल्ली ग्राफियन फॉलिकल, मतलब प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगा और क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज इमेच्योर एंड दिस इज मेच्योर, ये पी फॉलिकल है एंड दिस इज जी फॉलिकल विच इज मेच्योर, और यहीं से तो फिर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगी तभी तो ओवम आएगी, प्रोड्यूस होगी। सो नाउ ग्राफियन फॉलिकल एंड सिमिल्टेनियसली द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस रीजनरेट एंड थ्रू प्रोलीफरेशन। अब इंडोमेट्रियम जो है वो टूटा है, जो सेल हुई है वो टूटी है, वो फिर से जनरेट हो जाएगी
फॉलिकुलर फेज के अंदर। तो इस फेज में क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है इस फेज के अंदर, फॉलिकुलर फेज के अंदर दो चीजें हो रही है। एक तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल, जी फॉलिकल, और दूसरी क्या हो रही है, जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो फिर से जेनरेट हो रही है, इंडोमेट्रियम रीजेनरेट। ठीक है, ये किस टाइम पे हो रहा है, हमारे फॉलिक्यूलर एफ फेज के अंदर। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है, और कुछ लिखा है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। दीज चेंजेस इन ओवरी एंड यूटरस आर इंक्लूडेड बाई द चेंज ऑफ लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। हाँ, अब देखो ये चेंजेस जो है ये क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हार्मोन की वजह से ना। तो अभी इस टाइम पे देखो आप, हार्मोन का लेवल अप जा रहा है, दोनों हार्मोन स्पेशली एस्ट्रोजन का लेवल अप जा रहा है। ठीक है, अभी भी जो है वो प्रोजेस्टेरोन नहीं ऊपर गया है, बट एस्ट्रोजन का लेवल अप गया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल LH। और देखो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्यों सर्ज पे आ रहा है, क्यों जा रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इनकी वजह से, याद करो मैंने बताया था कि LH और FSH ही रेगुलेट करता है इन मेल ऑल्सो इन फीमेल ऑल्सो। तो इन फीमेल इट विल रेगुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तभी जो रीडेवलपमेंट हो रही है एंडोमेट्रियम की वॉल। नाउ बोथ LH एंड FSH एट पीक इन द मिडल ऑफ साइकिल, मिडल ऑफ साइकिल में बिल्कुल पीक पे है, जो कि 14th डे है ना। यहां तक हमारा क्या था, फॉलिकुलर फेज। नाउ 14 डे जब क्या होगा, एग रिलीज होगा। ठीक है, ओवुलेशन जिसको कहते हैं, ओवुलेशन के टाइम पे दोनों हार्मोन क्या होगा, एकदम पीक पे होगा। नाउ रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल LH सर्ज इंक्लूड रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो, अब जब ये पीक पे होगा ना, तभी ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, होगा टूटेगा, सर्ज पे मतलब क्या होगा, बर्स्ट होगा। एंड दिस रिलीज ओवम जिसको ओवुलेशन कहते हैं। द ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एट कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखो इसके बाद कौन सा फेज आ रहा है, ल्यूटियल फेज आ रहा है, जिसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट रेड से मार्क कर देती हूँ। इस टाइम पे जब ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल बना है ना, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हुआ। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच एसेंशियली फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पहले हमारा एस्ट्रोजन पीक पे था, अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा कौन सा पीक पे है, प्रोजेस्टेरोन पीक पे है, पीक पे है। देखो यहां पे आके प्रोजेस्टेरोन पीक पे हो गया। क्यों पीक पे हो रहा है, मेंटेन कर रहा है इंडोमेट्रियम के वॉल के लाइनिंग को, और क्यों, क्योंकि यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रही है, किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब इंडोमेट्रियम की वॉल की लाइनिंग जब होगी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये कितने दिन तक चलेगा, आपके 15 डेज टू बाकी अगले साइकिल बिगिन। मान लो अगली साइकिल बिगिन हुई तो फिर क्या बिगिन होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन, देन फॉलिक्यूलर फेज, देन ल्यूटियल फेज, देन नेक्स्ट साइकिल फिर से बिगिन होगी, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रही हूँ कि किस तरीके से ये पूरा जो साइकिल हो रहा है, पूरा साइकिल यहाँ पे बताया जा रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, देन फॉलिकुलर फेज में जो है जब 14 डेज ओवुलेशन हो रहा है तो एस्ट्रोजन का लेवल एकदम पीक पे है, उसके बाद में जाके प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसलिए पीक पे है क्योंकि डेवलप हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, देन उसके बाद इसीलिए है क्योंकि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी तो मेंटेन करके रखनी है ना। बस यही है आपका मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, सच एंड इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। मान लो ये क्यों मेंटेन करके रखा जा रहा है इंडोमेट्रियम, मान लो नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल होती नहीं है, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इम्प्लांटेशन हो पाए। ठीक है, फिटस का फर्टिलाइज ओवम ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो पाए, तब जाके फीटस उसके बाद फिर डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी हो पाए, इसीलिए इंडोमेट्रियम के वॉल का मेंटेन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस कॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मेंस्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो जाएगा। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब डिग्रेड हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फिर से होने लगेगा। ठीक है, मतलब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एग का वेट खत्म हुआ और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो गया, मार्किंग अ न्यू साइकिल। ठीक है,
ये साइकिल चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, अनटिल अनलेस मेनोपॉज ना आ जाए, और मेनोपॉज अराउंड 50 ईयर्स फीमेल में आ जाते हैं. सो menstrual cycle ceases around 50 year of age, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause. ठीक है, menarche मतलब जब first menstruation होगा तो उसको menarche कहेंगे, and menopause जबकि आपका menstruation menstrual cycle जो है वो बंद हो जाता है. और menstrual cycle जो होता है वो एक healthy reproductive health का एक indicator है. अगर अच्छे से आपकी पूरी एकदम टाइमलाइन जो भी 28 डेज है, 30 डेज है, वो बिल्कुल मेंटेन रहती है, यू आर गेटिंग योर साइकिल एट टाइम, यू आर, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आप रिप्रोडक्टिव फेज नॉर्मल है. ठीक है, ये होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा. कोई भी डाउट होगी तो आप डाउट को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको बता दूंगी. बाकी ये वाला पार्ट है ना, ये खुद पढ़ लेना आप, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कि इस पर ऐड किया गया है, ये वाला पार्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन वो आप खुद पढ़ लेना, इसमें ऐड किया गया है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ इम्पॉर्टेंट है बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे होपफुली इससे, बट आपके अवेयरनेस के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. अब देखो फर्टिलाइजेशन, अब हमें क्या पढ़ना है, अब मान लो कि रिप्रोडक्शन, मान लो फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है फॉलो. ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, बट फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन भी तो होगा ना, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा यूटेराइन वॉल में. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन. कॉपुलेशन मतलब कोइटस, कोइटस मतलब सिंपली व्हेन पीनस, व्हेन सीमेन इज रिलीज्ड बाय पीनस इनटू वजाइना, जिसको इंसेमिनेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को कॉपुलेशन कहेंगे. तो जो स्पर्म होता है वो पास थ्रू करता है फीमेल के सर्विक्स से और इंटर करता है यूटरस को, और यूटरस को इंटर करते हुए फाइनली एम्पुलेरी रीजन पे रीच करके और फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है. ठीक है, और ओवम रिलीज जो होता है वो ओवरी के द्वारा किया जाता है, वो भी एम्पुलेरी रीजन में आ जाता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, एम्पुलेरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब. सो वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, एम्पिलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन अगर होती है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली बी अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली. दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हुए हैं कहाँ पे, एम्पिलरी रीजन में, तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगी. मान लो एक आ गया, स्पर्म आ गया और ओवम नहीं आ पाया, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, तो तभी हो पाएगा. ठीक है, दिस लीड टू वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन. तभी हमेशा हर कॉपुलेशन डजंट लीड टू प्रेगनेंसी, है ना, एक टाइम होता है तभी जाके आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हाईएस्ट पीक टाइम होता है, तभी जाके फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो पाता है. तो ये याद रखना कि एवरी कोइटस डजंट लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी. ठीक है, सो नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, ये तो बार बार पढ़ा हुआ आपका है. फ्यूजन ऑफ ओवम और स्पर्म को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा. याद करो ओवम का लेयर, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है आपका, दिस इज ओवम. ठीक है, और लेयर क्या है, ये पेरिवेटलाइन स्पेस है. बाहर का लेयर क्या है, जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, दिस लेयर इज जोना पेल्यूसिडा. ओके, नाउ जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ दिस ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. मान लो एक स्पर्म एंटर कर गया, ठीक है, यहाँ पे एक स्पर्म एंटर कर गया, अब बाकी एडिशनल स्पर्म एंटर ना हो, है ना, इसको मेक श्योर कौन करता है, जोना पेल्यूसिडा, कि ये एंटर ना हो, ये एंटर ना हो, ये एंटर हो गया ना, बस. कुछ चांसेस होते हैं, कुछ होता है, मतलब अलग सर्कमस्टेंस, जब मान लो कि स्पर्म हो सकता है कि दो स्पर्म आ जाए, वो अलग केस है. ठीक है, वो आप बाद में जाके पढ़ोगे. नाउ इंड्यूसेस चेंज इन मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक्स एडिशनल स्पर्म, दस इट एंश्योर ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. इससे क्या होगा, वन स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम. ठीक है, द सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म. अब स्पर्म कैसे एंटर करता है साइटोप्लाज्म में, ये जो एक्रोसोम है ना, एक्रोसोम, दिस एक्रोसोम, ये सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, इसके सेक्रेशन की वजह से ही क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा के अंदर एंटर करके और अंदर एंटर कर जाता है स्पर्म. ठीक है, और इंटर थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा. पहले साइटोप्लाज्म में करेगा, पहले जोना पेल्यूसिडा एंटर करेगा, देन साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में जाके एंटर करेगा, और फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा. ठीक है, मान लो ये हेड है स्पर्म का, टेल कहाँ हो जाएगा, बाहर रह जाएगा. ठीक है, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन. यहाँ पे मियोटिक डिवीजन है, याद करो हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस में मियोटिक डिवीजन होगा और सेकेंडरी ओसाइट का. ठीक है, मियोटिक डिवीजन, दिस इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट. सेकेंडरी ओसाइट के बाद मियोटिक डिवीजन होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है जब यहाँ पे इंटर कर जाता है स्पर्म. ठीक है, नाउ द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल है, और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा यहाँ पे. ठीक है, पहला भी जब हो रहा था फ्यूजन, जो हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, तभी भी पोलर बॉडी बन रही थी,
इफ यू रिमेंबर फर्स्ट पोलर पोलर बॉडी, देन यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बन रही है, ठीक है, सेकेंडरी उस साइड, देन सेकंड सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है. तो यही सेकंड पोलर बॉडी बनी है यहाँ पे. सेकंड पोलर बॉडी के साथ एक हैप्लोइड ओवम भी बना है, वहां पे आपको ऊपर मेंशनड है, सून द हैप्लोइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म डिप्लोइड जाइगोट. अब देखो एन एन दोनों मिला, एन ऑफ स्पर्म एंड एन ऑफ फीमेल एंड एन ऑफ मेल, क्या बना फिर, टू एन बन रहा है विच इज डिप्लोइड. सो द जाइगोट विल बी डिप्लोइड, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट, हैप्लोइड डिप्लोइड जाइगोट बन गया. हाउ मेनी क्रोमोसोम विल देयर बी इन जाइगोट, बताओ बताओ, डिप्लोइड है तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है. नाउ वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन वन हैज टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, और इसी टाइम पे बेबी का सेक्स डिसाइड हो जाएगा कि वेदर इट विल बी अ बेबी गर्ल और इट विल बी अ बेबी बॉय. लेट अस सी हाउ, एज यू नो दैट क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन इज XX, ठीक है. आप देखो फीमेल में कैसा क्रोमोसोमल पैटर्न है, XX, ठीक है, ये फीमेल के अंदर है. मेल में कैसा है, XY, ठीक है. Therefore, all the haploid gamete ova produced by the female have sex chromosome X. मतलब जितनी भी ova होगी, ova मतलब ये जो ova है, सब के पास NN X chromosome होंगे. यानी कि female क्या लेके आ रही है, X लेके आ रही है, और X लेके आ रही है. Male क्या लेके आ रहा है, या तो X लेके आएगा या तो Y लेके आएगा, एक ही लेके आएगा ना. After देखो 50% of sperm carry X and while other 50% carry Y, है ना, तो 50-50 होगा. तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द जायगोट विल बी इधर XX और XY, या तो फिर फ्यूजन के बाद या तो XX बन जाएगा या फिर XY बन जाएगा. XX हुआ सो इट विल बी अ बेबी गर्ल, और XY हुआ इट विल बी अ बेबी बॉय, ठीक है. सो XX आर डिपेंडिंग वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम, डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, या X वाला फर्टिलाइज कर रहा है या फिर Y वाला फर्टिलाइज कर रहा है, उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. द जायगोट कैरिंग XX विल डेवलप इनटू फीमेल, हो गया, ठीक है. दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाई फादर नॉट बाई मदर. सो यहाँ पे सेक्स ऑफ द बेबी जो है फादर से डिटरमाइन होता है, ना कि मदर से, ठीक है. तो ये याद रखना, फादर को भी नहीं पता ना कि कौन सा उसका क्रोमोसोम वाला स्पर्म जा रहा है, मतलब कौन सा एक्स वाला जा रहा है वाई वाला जा रहा है. सो अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो बेबी इज डिटरमाइंड बाई फादर, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाई फादर नॉट बाई मदर, ठीक है. मदर के द्वारा तो बिल्कुल नहीं होता. Now coming to the mitotic division start as the zygote moves through the isthmus. अब यहाँ पे mitotic division start हो जाता है जब zygote कहाँ कोई भी इसमें से isthmus में move करना start कर जाता है. यहाँ पे mitotic division start हो जाता है, ठीक है. Now isthmus of the oviduct called cleavage. Cleavage होगा, ठीक है. Cleavage का मतलब टूटना, toward the uterus. Cleavage होगा, division हो रहा है mainly, जो कि फॉर्म करेगा. पहले दो सेल बनेंगे, देन चार सेल बनेंगे, देन आठ सेल बनेंगे, देन 16 बनेंगे, ऐसे करके ब्लास्टोमेर बनेगा, ठीक है. अब देखो द एम्ब्रायो विथ 8 to 16, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिख रहा है आपका ए बी सी डी, ठीक है, सारा दिख रहा है यहाँ पे आपको. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, देखो किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया. यहाँ पे देखो टू सेल्ड बन रहे हैं, यहाँ पे और डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे और डिवाइड हो रहा है, देन और डिवाइड होके पूरा बना यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया. और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ इम्प्लांट हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट विल गेट इम्प्लांट इन यूटेराइन वॉल, ठीक है. दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फर्टिलाइजेशन पासिस थ्रू फेलोपियन ट्यूब. ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला, ठीक है. 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो ब्लास्टोमियर है उसको मोरुला कहते हैं. 8 से 16 जो होगा, द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट. मोरुला से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट. एज इट मूव फर्दर इन द यूटरस, फिर यूटरस में जाएगा द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसाइट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर. देखो ब्लास्टोमियर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल है ना उसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है. ब्लास्टोसिस्ट तो पूरे को कहेंगे, जो सेल है इनमें ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे. अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अरेंज होगा, बाहर वाले वॉल को ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे और इनर वाले सेल को इनर मास कहेंगे, ठीक है. ये याद रखना दो चीजें, कि ब्लास्टोसिस्ट जो है उसमें ब्लास्टोमियर अरेंज है, आउटर लेयर जिसका ट्रोफोब्लास्ट है और इनर लेयर जिसका इनर मास है, ठीक है. आउटर लेयर
और इनर मास, ठीक है, आउटर लेयर अरेंज हो जाएगा, आउटर सेल देखो ट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा और इनर में आके क्या बन जाएगा हमारा इनर मास, ठीक है। नाउ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच्ड टू इंडोमेट्रियम, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही क्या होता है, इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और इनर सेल मास डिवाइड करता है और फिर डिफरेंशिएट करके क्या एम्ब्रायो बनाएगा, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, जैसे ही अटैच हो जाएगा, जैसे ही अटैचमेंट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल में, तो डिवाइड होगा और रैपिड डिवीजन होगा, और इसके बाद क्या होगा, रैपिड डिवीजन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम, ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम में इम्बेड हो जाएगा जाके, और इसी इम्बेडेड जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ इम्बेडेशन, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन एंड दिस लीड टू प्रेगनेंसी। सो देखो कैसे हो रहा है, पहले बना यहाँ से जो बन रहा है वन सेल टू, एक सेल का था, ठीक है, जाइगोट इज वन सेल, टू सेल, देन फोर सेल, देन एट सेल, देन 16, 8 to 16 मोरूला बना, देन ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट की लेयर बने, आउटर लेयर इनर लेयर, आउटर लेयर कहाँ अटैच हो गए, आउटर लेयर यूटेराइन वॉल में जाके अटैच हो गए और ज्यादा हो गया क्या डिवीजन होने लगा, डिवीजन होने के बाद फिर इम्बेड हो गया ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम के अंदर, और इम्बेड जो प्रोसेस है इम्बेड होने का, इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन एंड दिस इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को अगर याद नहीं हो रहा है आपको, तो बाकी ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, आपको अगर समझ में आ गई उसके बाद तो फिर आप एक दो बार रिवाइज कर लो, फिर आपका काम चल जाएगा। अब देखो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब इम्प्लांटेशन के बाद का स्टेप क्या है ना, पोस्ट इम्प्लांटेशन क्या, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट पे जो है कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, ठीक है, यहाँ पे कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट पे होगा, वो सराउंड विद सराउंड द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, जो कि यूटेराइन टिश्यू को मैटरनल ब्लड को सराउंड करता है, द कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू इट इज इंटरडिजिटेट, ठीक है, इंटरडिजिटेट करेगा विथ ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएगा, कि कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू दोनों इंटरडिजिटेट हो गया विथ ईच अदर, ज्वाइंट हुआ, फॉर्म करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है, एंड मैटरनल बॉडी, क्या बनाएगा प्लेसेंटा बनाएगा, तो प्लेसेंटा कैसे बन रहा है, प्लेसेंटा क्या है, फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच का कनेक्शन, ये क्या कैसे बन रहा है, कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू इंटीग्रेट हो रहे हैं तो प्लेसेंटा बन रहा है, मैं यहां पर लिख देती हूं, कोरियोनिक विलाई प्लस यूटेराइन टिश्यू, बहुत सारे टाइप के प्लेसेंटा होते हैं तो वो सभी आप पढ़ोगे, मैमल्स में तो यही होता है, तो ये देख लो मैमल्स यानी कि प्राइमेट्स, अब देखो क्रोरियोनिक वाई प्लस यूटेराइन टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा, ठीक है, और प्लेसेंटा क्या काम करता है, डेवलपिंग फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में क्या करेगा, देखो क्या करेगा, सप्लाई करेगा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट और ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, एक्सक्रीटरी मटीरियल वेस्ट मटीरियल को भी रिड्यूस करेगा, रिड्यूस मतलब एलिमिनेट करेगा बाहर बॉडी के बाहर फीटस के, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रायो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, अब प्लेसेंटा कैसे कनेक्टेड है एम्ब्रायो में, अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, रुको, अच्छा यहाँ पे दिया है ना, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, नाउ प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे भी एक्ट करता है, एंडोक्राइन टिश्यू का मतलब क्या, हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ हॉर्मोन होगा, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा, ठीक है, इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, रिलैक्सिन बाद में सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन जो है ओवरी के द्वारा भी सिक्रीट किया जाता है और ये रिलैक्सिन जो है वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, यानी कि लेट अस रिमेंबर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद करते हैं और हमें देखते हैं एक एक करके, इन द लेवल ऑफ द हार्मोन द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कोर्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरोक्सिन एटसेट्रा इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारे हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन जो होता है वो फीटल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेटाबॉलिक चेंजेस होते रहते हैं, हाथ बन रहा है, पैर बन रहा है, क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम मतलब सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहा है, सेल के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल डिवाइड हो रहा है, तो ये सब बहुत सारे हार्मोन की वजह से हो रहा है, और चेंज इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इसके लिए हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रायो, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हुआ उसके बाद जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट करता है आउटर लेयर में, ठीक है, सो इनर सेल मास डिफरेंशिएट करता है आउटर लेयर में और क्या बनाएगा, आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज एंडोडर्म, अ मिडिल लेयर भी अपीयर होगा बाद में जाके, वो मिजोडर्म होगा, एंड दिस थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यू, अब देखो अलग अलग जो टिश्यू होता है ना, ब्रेन बन रहा है, हाथ बन रहा है, पेट बन रहा है, किडनी बन रहा है, वो अलग अलग लेयर से बनता है, एक्टोडर्म से क्या बनेगी, स्किन बनेगी, ठीक है, तो इसी तरीके से
बनेंगे, अलग अलग जो लेयर है उससे अलग अलग ऑर्गन बनेंगे, ठीक है। इट नीड टू बी मेंटेन्ड हेयर मेंशन हेयर दैट द इनर सेल कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल। इनर सेल के पास ही स्टेम सेल है, और स्टेम सेल वही सेल है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि एक पूरा का पूरा टिश्यू या ऑर्गन को राइज कर सके। स्टेम सेल आप लोग सुना होगा, प्रिवेंट करके भी रखते हैं, है ना। अब देखो, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एट वेरियस प्रेगनेंसी। तो मेजर फीचर क्या है आपको, मतलब हर मंथ में क्या प्रेगनेंसी में चेंज आते हैं, हाथ बना, पैर बना, वो सब आपको पता करना है। इंटरनेट पे जाओ, सर्व करो, मिल जाएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना, यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, ठीक है। डू यू नो डॉग का कितना है, एलिफेंट का कितना है, कैट का कितना है, बताओ बताओ। सो जहाँ तक मुझे याद है, डॉग का 60 to 65 days है, ठीक है, और कैट का 50 to 55 days है, बाकी एलिफेंट का आप नीचे कॉमेंट करना, ठीक है। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रायो हार्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, इसको फाइंड आउट करो। 2 मैंने बता दिया, एक आप देख लो, पता करो क्या होता है एलिफेंट का। अब देखो, ह्यूमन बींग के अंदर 1 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, एम्ब्रायो का हार्ट फॉर्म हो जाता है। तो व्हेन हार्ट इज फॉर्म, 1 month, मतलब इफ अ मदर इज 1 month pregnant, if a female is 1 month pregnant, then आप समझ लो कि उसके बेबी का हार्ट फॉर्म हो गया। द साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आपको पता चलेगा अगर स्टेथोस्कोप से आप सुनोगे तो, बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ। अब सेकंड मंथ के एंड में क्या बन रहा है, फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, ठीक है, हाथ बनेंगे, उंगलियां बनने लग जाएंगी। बाय द एंड ऑफ 12 week, 12 week यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मेजर ऑर्गन सारे बन गए होंगे, जैसे कि लिम्स, हाथ पैर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप्ड। ये सब याद करना है आपको, बहुत अच्छे से याद कर लो, एक एक नोट कर लो कि हार्ट कब बना, 1 month के बाद, ठीक है। डिजिट्स, लिम्स, डिजिट्स कब बने, सेकंड मंथ के बाद। 12 week फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट हो रहा है तो मेजर ऑर्गन जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो वेल डेवलप हो गए, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट कब सुनने को मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयर वेल ऑब्जर्व आफ्टर 5th month के बाद। और एंड मतलब यानी कि 24 week एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको बाल वगैरह दिखने लग जाएंगे, आईलिड्स वगैरह सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस वगैरह दिखने लग जाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ 9 month फुल्ली फीटस, फुल्ली डेवलप फीटस विल बी रेडी टू डिलीवर, ठीक है, पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। सो ये सारे आप शॉर्ट नोट में बना के लिख लो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप बताओ कि आफ्टर 12 week ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आपको लिखना है ये सारे ऑर्गन, ठीक है। नाउ हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है चैप्टर का, विच इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब देखो, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, बेबी डिलीवर हो गया बाहर, ठीक है। लैक्टेशन वो हम अभी पढ़ेंगे, लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ पार्चुरेशन पहले कंप्लीट करते हैं, देन लैक्टेशन पे हम चलते हैं। सो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 month, 9 month इज द गेस्टेशन पीरियड, और गेस्टेशन पीरियड जो होता है वही एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का। सेम थिंग, विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। अब देखो, उतना बड़ा फीटस होता है, जैसे बोलते हैं 3 kg का बच्चा है, 4 kg का बच्चा है, वो इतना बड़ा बच्चा कैसे बाहर डिलीवर हो जाता है, उसके लिए जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। अब याद करो, जो मायोमेट्रियम था वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता था, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बाहर का पेरीमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम था वो हेल्प करता है किसमें, बेबी के डिलीवरी में। मायोमेट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, हाईली कॉन्ट्रैक्टेबल होगा। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन, सिंपली चाइल्ड बर्थ, उसी को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से वो क्या होता है, पार्चुरेशन कंप्लीट हो पाता है। जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलेगा पार्चुरेशन का, तब तक नहीं हो पाएगा। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस। अब ये सिग्नल मिलता है फीटस से कि फीटस फुली डेवलप्ड हो गया है, प्लेसेंटा इंड्यूस करेगा कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब प्लेसेंटा जो हार्मोन क्योंकि रिलीज करते हैं ना, प्लेसेंटा आपको पता है कि हार्मोन रिलीज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब मिलता है, तो ये ट्रिगर करता है आपके ऑक्सीटोसिन को, है ना। ऑक्सीटोसिन कहाँ से होता है, मैटरनल पिट्यूटरी, माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज करता है तो ये यूटराइन मसल यानी कि यूटराइन मसल पे एक्ट करेगा, और एक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और यही ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या करता है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होगा, और क्या होता है, लीडिंग टू व्हाट, लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ यूटरस थ्रू बर्थ कैनाल, विच इज नोन एज पार्चुरेशन।
सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल, याद होगा आपको. बस इंड्यूस होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के मदद से, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेनली मायोमेट्रियम होता है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल. सून आफ्टर दैट इन्फेंट इज डिलीवर्ड, द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस. वॉट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? आपको क्या लगता है कि डॉक्टर इंजेक्ट क्या करते होंगे डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए? ऑब्वियसली ऑक्सीटोसिन करते हैं ना, ऑक्सीटोसिन इतना हेल्पफुल है, बाहर से भी ऑक्सीटोसिन मिल रहा है, मिलेगा तो प्रेगनेंसी स्मूथ हो जाएगी. नाउ हम पढ़ेंगे लैक्टेशन, ठीक है. सो द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडर गो डिफरेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जब प्रेगनेंसी मतलब जो गेस्टेशन पीरियड है ना, ये 9 मंथ का, उसी टाइम पे मैमरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंशिएट करेगा और एक मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा. क्यों मिल्क प्रोड्यूस करना है? क्योंकि बेबी को, बच्चे को जन्म के बाद न्यूट्रिशन चाहिए और मदर मिल्क में कितना न्यूट्रिशन होता है ना. सो द मेमरी ग्लैंड फीमेल अंडर गो द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडर गो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होगी, जैसे ही आपका क्या कहते हैं पार्चुएशन हो जाएगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, तो ही लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. दिस मिल्क ऑफ मदर हेल्प इन फीडिंग द न्यू बॉर्न. ये न्यू बॉर्न जो फीटस है वो मिल्क में ही, अब ऐसा तो नहीं बच्चा अब जन्म हुआ और खाने पीने लग गया, ह्यूमन बींग में ऐसा तो नहीं होता. सो द ह्यूमन बींग में क्या कहीं नहीं होता, मतलब मैमल्स में नहीं होता, डॉग हो गए, कैट हो गए, काउ हो गए, नहीं होता. सो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज नॉन एज कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम याद रखना आपकी, कोलेस्ट्रम क्या है? तो इनिशियल डेज में, इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ना, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं. कोलेस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं, है ना, और एंटीबॉडी ना बच्चे को, जो न्यू बॉर्न बेबी को, रेजिस्टेंस बनाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस बनाते हैं. सो इसीलिए मदर मिल्क जो है वो डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है हेल्दी बेबी के लिए. सो मदर मिल्क इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट. आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे. ये क्वेश्चंस कराने का टाइम नहीं, ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, आप खुद से ही कर लेना. एंड बाकी आपको कोई भी डाउट होगा, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा ना इस चैप्टर में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और इसके बाद आगे की वीडियो आने वाली है, आगे के चैप्टर्स में आप कवर करने वाली हूँ क्लास 12th एंड क्लास 11th के भी. सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़. और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना.